किसी भी मकसद के हुसूल के लिए सिमत की दुरुस्तगी बुनियादी शर्त होती है। कश्मीरी कौम दिल गिरफ्ता कतन न हो, कितनी कुर्बानियों के बाद भी मंजिल अभी वाजे नहीं है। अगरचे ये दुरुस्त है कि अभी सिर्फ मंजिल के आसार जाहिर हुए हैं, और इन आसार का सबूत ये है कि 15 बरस पहले भारत की 5 लाख फौज कश्मीर में नाकाम थी, और आज 9 लाख फौज भी नाकाम है, और तहरीक अपनी फितरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कश्मीरी कौम ये भी तो देखे कि उनका मुकाबला किन किन से है। एक बहुत बड़े मुल्क की बाकायदा फौज, जदीद साइंसी आलात से लैस, दुनिया की इक्तसादियात में भारत का बड़ा हिस्सा, आलमी बरादरी की जानिब से महज लफजी तसलियां, और सबसे बढ़कर हौसला शिकन अक्वामे मुत्तहिदा का रवैया। लेकिन इन तमाम अवामिल के बावजूद अगर कश्मीर की जमीनी सूरतेहाल दिल्ली के लिए परेशान कुन है, तो ये कश्मीरी कौम की कामयाबी ही तो है। भारतीय मुसलमान अब इन खतूत पर सोचने लगे हैं कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आज भी 70 साल के बाद मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, क्यों मैडम? ये मैंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम, अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते। कल तक ये कहने वाले असदुद्दीन अवैसी कि उनके अजदाद ने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा कर भारत में रहना पसंद किया था, मातम कर रहे हैं कि जिस ब्रिगेडियर के हुक्म पर शोपियां के 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया, उसे अवार्ड दे दिया गया। बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अपरार, कौन है इबरार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूफ हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का, जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप? सर, इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? अवैसी का कहना था कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रिमिनल एक्ट करार दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है, और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को। आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद है। आप जबर के नाम पर, आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। उनका कहना था कि जो एहतजाज करते हैं वजीर आजम उन्हें काकरोच से तशबीह देते हैं, जो शर्मनाक है। आंदोलन जीवी पैरासाइट सर, जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है। और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तदार जमात के लोग अगर आंदोलन जीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को, कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस कहा। 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? नतीजा ये है कि भारत में बसने वाले मुसलमान इंतहा पसंदी की नफरत के खिलाफ जमा हो रहे हैं, सिख अलग जमा हो रहे हैं, तमिल, मिजोरम और आसाम, हर जगह एक लावा पक रहा है। और ये उस बीज का फल है जो मोदी ने आकर बोया है। मोदी साहब, अब कश्मीर की फिक्र से ज्यादा ये फिक्र कीजिए कि भारत के किस किस चप्पे में नए कश्मीर जन्म ले रहे हैं, और इंतहा पसंद सोच जब तक गालिब रहेगी ये होता रहेगा।